राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र प्रधान राशि तुला के बारे में और लग्न के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्च के महीने में आपकी कौन सी शुभ तारीख रहेगी और कौन सी अशुभ, और क्या खास उपाय करें जिससे कि ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी हो जाए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। बंधुओं, यदि तुला राशि और लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति इस महीने देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से होगी। शनिदेव पंचम भाव में कुंभ राशि में स्वयं की राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। 17 मार्च को ये अपनी ही राशि में पंचम भाव में उदय हो जाएंगे। यदि शुक्र की बात की जाए तो 7 मार्च को शुक्र यहाँ पर प्रवेश करेंगे। मंगल यहाँ पर 15 मार्च को प्रवेश करेंगे पंचम भाव कुंभ राशि में। बुध की बात की जाए तो 7 मार्च को बुध देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य 14 मार्च को संक्रमण करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे। राहु यहां पर पूरे महीने ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। केतु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से इस महीने तुला राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुला राशि का प्रथम भाव देखते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मान सम्मान का भाव है। इस महीने आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, ये देखने लायक होगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप इस महीने दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चेतावनी देंगे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दूसरों की मदद करें। पिछले महीने जो काम आपके रुके हुए थे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से, तो इस महीने वो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस महीने आप जो भी निर्णय लेंगे तो बहुत आत्मविश्वास के साथ लेंगे, इसलिए आपके सारे निर्णय सही साबित होंगे। नौकरी में आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जिस तरह से इस महीने आपकी आय होगी तो उसी तरह आपके खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रख करके इस महीने चलें तो तुला राशि और लग्न वालों का ये महीना बेहद उत्तम होने वाला है। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति मंगलदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। इस महीने आपका धनागमन बहुत अच्छा बना रहेगा। वहीं आपकी वाणी की मधुरता से आप अपने काम बना लेंगे, चाहे नौकरी हो या व्यापार स्थान। इस महीने तुला राशि और लग्न वालों को परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। ये पराक्रम का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, भाई बहन मित्रों का भाव है। पराक्रम के अधिपति देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नौकरी में यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद होगा। भाई बहनों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार की चिंताएं इस महीने आपकी दूर होंगी, और यदि कोई भी कामकाजी यात्रा आपकी होती है तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, मकान और आपकी माता का भाव है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पुराने जमीन के जो मामले आपके अटके हुए थे इस महीने वो सारे मामले आपके सुलझ जाएंगे। प्रॉपर्टी के काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कमीशन संबंधी काम में आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। कमीशन का जो काम करते हैं उनको इस महीने कोई धोखा मिल सकता है, तो वो सवल करके चले। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि, शुक्र और मंगल त्रिग्रही योग बन रहा है, तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें।
शेयर बाजार में आपको लंबे समय के निवेश से लाभ हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधु बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, वहीं सूर्य और राहु का ग्रहण योग और राहु और बुध का जड़त्व योग बन रहा है। ये रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने शत्रु पक्ष से आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। शत्रु पक्ष आपको परेशान नहीं करेगा। त्वचा संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। गले और हड्डी से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। मौसम बदल रहा है, थायराइड या टॉन्सिल की परेशानी आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। बंधु, जैसा हम शुरू से बता करके चल रहे हैं कि इस महीने आपका धन आगमन अच्छा रहेगा, इसलिए आपके ऊपर यदि कोई ऋण है, कर्ज है, लोन है, उसे चुकाने का प्रयास करें, ना कि इतने खर्चे बढ़ा लें कि जिससे कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। तो आप अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चले। बंधु, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जीवन साथी के साथ इस महीने आप छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार की स्थिति देखी जाए तो इस महीने तुला राशि और लग्न वाले जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार में उन्नति मिलेगी, व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको विवाह का प्रस्ताव इस महीने मिल सकता है। यदि कोई नई साझेदारी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़े। बंधु, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के अधिपति शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। विदेश से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रिसर्च संबंधी मामलों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। बंधु, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। नवम भाव के अधिपति बुधदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि नवम भाव के फलों की चर्चा की जाए तो इस महीने परिश्रम और भाग का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं इस महीने उनको भी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव आजीविका का भाव है, कर्म भाव है और पिता का भाव है। आपके दशम भाव का दृष्टि संबंध राहु से है, यानी कि राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कोई भी निर्णय लेते हैं, नौकरी या व्यापार किसी से भी संबंधित, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़े। नौकरी में परिश्रम से आपकी सफलताएं प्राप्त होंगी, आपके कार्यों की सराहना होगी। व्यापार में पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें। पैसे का कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो रसीद अवश्य ले लें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इस महीने आपको पिता के साथ विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। एकादश के अधिपति सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने आपका धन आगमन बहुत अच्छा है। आपका व्यापार, नौकरी, हर जगह आपको सफलता मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे आपकी धन में वृद्धि होगी। सामान्य रूप से आपका धन आगमन पिछले महीने की तुलना में अधिक होगा, तो धैर्य बनाकर के चलें, तो आपको इस महीने लाभ की अच्छी स्थितियां दिखाई देंगी। बंधु, बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। केतु धार्मिक कार्यों में मन भी लगाते हैं। ये भाव खर्चों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, इसलिए इस महीने आपका धन आगमन अच्छा है, लेकिन खर्चे भी आ सकते हैं आकस्मिक सामने, तो खर्चों से, व्यर्थ के खर्चों से आप इस महीने बचकर के चले। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आप सावधानी पूर्वक रहें तो ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार तुला राशि और लग्न वालों के राशि फल की चर्चा की। इस महीने की शुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने 3, 5, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 28 और 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप कोई अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिन की बात की जाए तो
तो इस महीने की 7, 8, 15, 16, 24, 25 और 26 तारीख आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। नौकरी और व्यापार में वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। बंधुओं, यदि उपाय की बात की जाए तो आप माँ दुर्गा की उपासना करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, किसी गरीब को सफेद कपड़े का दान दें तो तुला राशि और लग्न वालों का ये महीना बेहद उत्तम हो जाएगा। बंधु, इस वीडियो में हम मंगल प्रधान राशि वृश्चिक और लग्न इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मार्च में इनका महीना कैसा रहेगा, साथ ही शुभ दिन बताएंगे और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिसको करके वृश्चिक राशि और लग्न वाले इस मार्च के महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए मासिक राशि फल की चर्चा। शनि की डहिया इस वक्त वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर चल रही है। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों का गोचर मार्च के महीने में कुछ इस तरह से रहने वाला होगा। शनि देव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। 17 मार्च को ये यहां पर उदय हो जाएंगे। शुक्र जो है 7 मार्च को यहां पर प्रवेश करेंगे और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। 15 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 7 मार्च को बुध जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य संक्रांति होगी तो 14 मार्च को सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में पूरे महीने पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की यानी कि मित्र राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके एकादश भाव लाभ भाव में कन्या राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों की ये ग्रहों की स्थिति मार्च के महीने में रहने वाली होगी। बंधु, वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर शनि की ढैया चल रही है तो थोड़ा सा संभल करके रहना होगा, उपासना से जुड़ना होगा, डरने की भय की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रत्येक भाव के अनुसार राशि फल की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मान सम्मान का भाव है। 15 मार्च तक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 15 मार्च तक कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए उत्तम रहेगा। 15 मार्च के बाद नौकरी और व्यापार में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस महीने विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बचकर के रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी गलत निर्णय ले लेता है, ऐसी स्थितियों से आपको इस महीने बचकर के रहना होगा। बंधु, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। द्वितीय भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में इस महीने सुधार होगा। कोई भी रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा है आपको प्रयास करने से इस महीने वापस मिल सकता है। यदि आपने किसी भी चीज के लिए व्यापार के लिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस महीने आपका लोन क्लियर हो जाएगा, आपको लोन भी मिल सकता है। आप इस महीने बाणी की मधुरता को बना करके रखें तो आप अपने सारे काम बना लेंगे। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों को परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। तो बंधुओं, द्वितीय भाव के उत्तम फल वृश्चिक राशि और लग्न वालों को इस महीने प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। पराक्रम के अधिपति शनि देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय और धन बर्बाद करने से बचें। किसी से भी नौकरी हो या व्यापार वाद विवाद की स्थिति से बचें। यात्राएं, कामकाजी यात्राएं
आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, आपको मानसिक अवसाद की स्थिति दे सकती है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाई बहन और मित्रों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इनसे भी आपको वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा। बंधुओं बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर त्रिग्रह योग बन रहा है, शनि देव स्वयं की राशि में है, शुक्र यहाँ पर 17 मार्च को प्रवेश करेंगे और 15 मार्च को यहाँ पर मंगल देव भी आ जाएंगे। चतुर्थ भाव के फलों की चर्चा करें तो यहाँ भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि होगी, इसलिए आप खर्चों पर नियंत्रण रखकर के चलें। भौतिक शुभ सुविधाओं में आदमी आनंद का जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। धन आगमन अच्छा है, शनि की ढहिया चल रही है, इसलिए संभल करके चलना है। धन को व्यर्थ के कार्यों में भोग विलास में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा व्यक्ति भौतिक शुभ सुविधाओं में किसी को देख करके खर्च करता है, इसलिए अपनी तुलना किसी से न करें, अपना सामान्य जीवन इस मार्च के महीने में व्यतीत करें। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। आपका नया मकान खरीदने का योग बनेगा। यदि आप कोई नया मकान देख रहे हैं तो ये सर्च आपकी मार्च के महीने में पूरी हो सकती है, लेकिन माता के साथ आपके वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, इसलिए माता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। बंधुओं बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव अचानक धन लाभ का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, वहीं सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग और राहु और बुध मिलकर के जड़त्व योग बना रहे हैं। राहु मन को विचलित करता है, इसलिए थोड़ा सा संभल करके इस महीने में निर्णय लें। यदि आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो जल्दबाजी से बचें, बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। विद्यार्थी मन वर्ग को इस महीने आलस्य की स्थितियां आ सकती हैं, पढ़ाई से मन उचट सकता है, लेकिन उनको अपना मन पढ़ाई पर ही केंद्रित करना है। प्रेम संबंधों में भी इस महीने कड़वाहट आ सकती है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके परिवर्तन करें। बंधुओं बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। यहाँ देव गुरु बृहस्पति मंगल देव की राशि मेष में पूरे महीने संचरण करेंगे। आपको पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, इसलिए आप खान पान पर नियंत्रण रख करके इस महीने चलें। धन आगमन की स्थितियां उत्तम है, व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो जो कोई पुराना ऋण ले रखा है तो उसको उतारने का प्रयास करें। धन को इतना खर्च न करें कि कर्ज लेने की स्थिति फिर से बन जाए। शत्रुओं से परेशान होने की इस महीने आवश्यकता नहीं है, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। बंधु बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्रदेव चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं तो व्यापार में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में नई साझेदारी करने से इस महीने आप बच करके रहें, क्योंकि ये आपको नई साझेदारी परेशान कर सकती है। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। अष्टम भाव के अधिपति बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो रिसर्च संबंधी मामलों में इस महीने रुकावट आ सकती है, विदेश संबंधी मामलों में भी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बना करके रखें, धीरे धीरे आपकी रुकावटें दूर होंगी। जो लोग मेटल संबंधी कार्य करते हैं उनको विशेष लाभ इस महीने प्राप्त होगा, धैर्य पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहें, घबराने की आवश्यकता नहीं, सभी परेशानियों का समाधान भी मार्च के महीने में ही निकल आएगा। बंधु बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। राहु का दृष्टि संबंध आपके नवम भाव से है तो भाग्य के भरोसे बैठने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। इस महीने आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए नौकरी हो या व्यापार, परिश्रम से बिल्कुल न डरें। पराक्रम में वृद्धि है तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने कार्यों में लगे रहें। मानसिक तनाव को मन पर हावी न होने दें।
मेडिटेशन और योगा के द्वारा अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को भी थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं, बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव आजीविका का भाव है। देखिए, 14 मार्च तक सूर्य यहां पर रहेंगे चतुर्थ भाव में और 14 को संक्रमण करके पंचम भाव में पहुंचेंगे। आपके दशम भाव के अधिपति हैं सूर्य देव, तो नौकरी में परिवर्तन इस महीने आप 15 मार्च तक करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार में इस महीने आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी और व्यापार में वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। यहाँ पर केतु पुण्य फलों का उदय करते हैं। केतु कन्या राशि में संचरण करेंगे तो धीरे धीरे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी वेतन वृद्धि होगी जिससे कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव खर्चों का भाव है। विदेश संबंधी मामले और कोर्ट कचहरी के संबंधित मामलों का भाव है। द्वादश भाव के अधिपति शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख करके चले। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरते। विदेश संबंधी मामले धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। तो ये हमने 12 भावों के अनुसार आपको मार्च के राशिफल की चर्चा की। यदि इस महीने के शुभ दिनों की चर्चा की जाए तो 3, 5, 8, 13, 16, 22, 25 और 31 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28 और 29 ये तारीखें थोड़ी सी आपके लिए अशुभ रहेंगी। इसलिए नौकरी व्यापार में या कहीं भी वाद विवाद की स्थिति से बचें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं तो ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, वृश्चिक राशि और लग्न वालों को इस महीने क्या खास उपाय करने चाहिए? हनुमान जी की उपासना करें, चालीसा के अधिक से अधिक पाठ करें, मंदिर में लाल ध्वजा दान करें तो वृश्चिक राशि और लग्न वालों की ढहिया का ये समय होने के बावजूद भी मार्च का महीना उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि और लग्न वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, साथ ही बताएंगे शुभ और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिसको करके आप मार्च के महीने में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म से जुड़ी हुई सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि और लग्न वालों के मार्च के राशिफल की चर्चा। बंधुओं, धनु राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति यह देखी जाए तो ग्रहों का गोचर इस पूरे महीने कुछ इस तरह से रहेगा। शनि पराक्रम भाव में अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। शुक्र 7 मार्च को यहां पर प्रवेश करेंगे और मंगल 15 मार्च को पराक्रम भाव में शनि देव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनि 17 मार्च को अपनी स्वयं की राशि में तृतीय भाव में उदय होंगे। इसी तरह यदि चतुर्थ भाव में देखा जाए तो बुध जो है 7 मार्च को आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव मीन राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। केतु आपके दशम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति धनु राशि और लग्न वालों की इस महीने रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार उसके फलों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का भाव है। आपकी यदि चर्चा करें तो इस महीने आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में आपको सफलताएं मिलेंगी,
लेकिन नौकरी और व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। यदि धनु राशि और लग्न वालों के इस पूरे महीने की बात की जाए तो इस महीने आप व्यर्थ की चिंताओं को मन से हटाकर, आलस्य को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े तो ये महीना उनका उत्तम जाएगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। द्वितीय भाव के अधिपति शनिदेव आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने धनु राशि और लग्न वालों का धन आगमन पिछले महीने की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप वाणी की मधुरता से अपने सभी काम बना लेंगे, इसलिए आप सबसे मधुर बोलिए, चाहे नौकरी हो या व्यापार, सभी स्थानों पर आपकी वाणी आपको सफलता दिलाएगी। जो लोग अपने व्यापार में अधिक धन कमाना चाहते हैं वो अपने व्यापार में कोई नया काम जोड़ सकते हैं, उससे उनको सफलता मिलेगी। इस महीने आपको परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा तो ये बहुत उत्तम होता है कि जब व्यक्ति को परिवार का सहयोग प्राप्त हो। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की। ये भाव आपके पराक्रम का, आपके भाई बहनों का और यात्राओं का भाव है। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नौकरी में आपको स्थायित्व प्रदान होगा। यात्राओं में स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। यात्राएं जो भी होंगी आपकी कामकाजी, वो लाभप्रद रहेंगी। इस महीने भाई बहन और मित्रों के साथ आप सामंजस्य बनाकर के चलें। व्यापार में नया काम जोड़ने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर राहु और सूर्य मिलकर के ग्रहण योग बनाएंगे, राहु और बुध मिलकर के जड़त्व योग बनाएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में ग्रहण योग और जड़त्व योग दोनों ही बनेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों पर आप तनाव की स्थिति से बचें। भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे चलें। ये चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने आप कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, उससे संबंधित कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। वहीं माता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको इस महीने अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की, जहां देव गुरु बृहस्पति मंगल देव की मेष राशि में मित्र राशि में संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव अचानक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों में इस महीने आपके प्रगाढ़ता आएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है धनु राशि और लग्न वालों, ऐसे जातकों को विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव के अधिपति शुक्र आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका जो धन है वो बहुत अच्छा इस महीने प्राप्त होगा, लेकिन धन का समन्वय इस तरह से करें, व्यर्थ के खर्चे कंट्रोल करें जिससे कि कर्ज की स्थिति न बने, और आप पिछले जो भी आपने लोन या कर्जा ले रखा है उसको चुकाने का प्रयास करें। यदि रोगों की बात की जाए तो जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दांतों से संबंधित आपको कुछ परेशानियां इस महीने आ सकती हैं। सत्व पक्ष से आपको वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। सप्तम भाव के अधिपति बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना होगा। व्यापार की बात की जाए तो धीरे धीरे आपके व्यापार में सुधार होगा। व्यापार में नई साझेदारी यदि कोई करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके साझेदारी की तरफ आगे बढ़ें। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। विदेश संबंधी मामले और रिसर्च संबंधी मामले इनका भाव है। यह चतुर्थ भाव की बात की जाए तो राहु का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से है, तो राहु मानसिक तनाव देता है, आकस्मिक हानि आकस्मिक लाभ देता है, तो इस महीने आपको मानसिक तनाव की स्थिति से बचकर रहना होगा। आकस्मिक परेशानियां इस महीने आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उनका समाधान हो जाएगा। नौकरी और व्यापार में किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। रिसर्च से संबंधित लोगों को धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी, इसलिए धैर्य बना करके रखना है। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंधुओं बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के अधिपति सूर्यदेव चतुर्थ भाव में 14 मार्च से रहेंगे। नवम भाव भाग्य का भाव है, धार्मिक कार्यों का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है, तो धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। परिश्रम और भाग्य के सहयोग से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उन लोगों को सफलताएं इस महीने प्राप्त होंगी। बंधुओं बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव कुंडली का विशेष भाव है, क्योंकि ये आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ पर केतु विराजमान रहेंगे पूरे महीने कन्या राशि में, तो आकस्मिक धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में आपका अचानक परिवर्तन हो सकता है। व्यापार में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इनको संभाल करके आपको रखना होगा। बंधुओं बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव की बात करें तो आर्थिक स्थिति में धनु राशि और लग्न वालों की उनमें सुधार होगा। धीरे धीरे लाभ में वृद्धि होगी, इसलिए धैर्य बना करके अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहिए। बंधुओं बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव खर्चों का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, लंबी यात्राओं का, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो खर्चों पर नियंत्रण करके आप चलेंगे तो ये महीना आपके लिए उत्तम होगा। विदेश संबंधी मामलों में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक उसमें आगे बढ़े, वरना परेशानी आ सकती है। बंधुओं ये रहा धनु राशि और लग्न वालों के प्रत्येक भाव के अनुसार राशिफल। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 6, 8, 9, 13, 15, 18, 26 और 29 ये डेट्स आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी, इनमें आप अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ डेट्स की बात करें तो 2, 3, 4, 11, 12, 19, 20, 21, 30 और 31 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें, तो बंधुओं आपके लिए ये महीना उत्तम हो सकता है। यदि विशेष उपायों की बात की जाए तो आप इस महीने भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम एक माला जप कीजिए। मंदिर में केले का दान दीजिए तो मार्च का महीना धनु राशि और लग्न वालों के लिए विशेष फलदायी होगा। बंधुओं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व और होली उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।